अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्र हित के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन में सफलता हासिल करने के बाद अब उन्हीं की तर्ज पर अब राष्ट्रीय छात्र संघ इकाई यानी NSUI ने भी छात्र हित का राग अलापने शुरू कर दिया है। NSUI ने प्रदेश की हजारों नर्सिंग छात्राओं की आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया है। दरअसल जब तमाम शैक्षणिक संस्थान बंद पड़े हैं, परीक्षाएं या तो स्थगित की जा चुकी हैं या कई परीक्षाओं में छात्राओं को प्रमोट किया जा चुका है, ऐसे में नर्सिंग छात्राओं की परीक्षाएं करवाने पर सरकार आमदा है, उसको मद्देनजर रखते हुए NSUI ने आंदोलन छेड़ने की बात कह दी है। NSUI के प्रदेश सचिव रजत राणा की माने तो आज नर्सिंग का प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन के साथ जोड़ा जाता है। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका के लिए जानी जाती हैं। बावजूद इसके आज उनकी हालत इतनी बदतर स्थिति में कर रखी है कि उन्हें हॉस्टल मेस और बस का प्रयोग ना करने पर भी फीस चुकता करनी पड़ रही है। ये कहाँ का न्याय है? छात्राओं पर पड़ता ये अतिरिक्त धन का बोझ उनके परिवारों को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। छात्राओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनेकों छात्रों को कोरोना के समय अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया। कई टेक्निकल विषयों के छात्रों को भी प्रमोट किया गया, परंतु नर्सिंग की छात्राओं को इस लाभ से वंचित रखा जा रहा है। NSUI प्रदेश महासचिव ने कहा कि राज्य सरकार नर्सिंग कॉलेजों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस पर रोक लगाए, साथ ही नर्सिंग छात्राओं को प्रमोट किया जाए, क्योंकि प्रदेश में पुनः कोरोना चरम पर पहुंच रहा है। ऐसे में 16 दिसंबर से इन छात्राओं की परीक्षाएं करवाना किसी बड़ी घटना को निमंत्रण देना होगा। आज हम यहाँ इस मुद्दे पे हैं कि जो हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं, हमारी जो डेट शीट निकाली है, तो हम गवर्नमेंट से, प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि हमें भी प्रमोट किया जाए। जिस तरह उन्होंने बीटेक और बी फार्मा के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है जिस भी बेस पे, लाइक उनके असेसमेंट के बेस पे, हमें भी उसी तरह से प्रमोट किया जाए। सर, हमारी कुछ लड़कियां जो है वो DC ऑफिस भी गई थी, DC ऑफिस मंडी, धर्मशाला, शिमला, वहाँ पे भी हमारी सेम ही मुद्दा था कि हमें प्रमोट किया जाए। सर 16 दिसंबर से, सर जैसे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है उनको तो प्रमोट कर ही सकते हैं, लेकिन जो पास आउट होने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, मतलब कॉलेज से गोइंग स्टूडेंट जो है, उनके एग्जाम पहले से INC ने बोला है कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनको प्रमोट करो, लेकिन जो फाइनल ईयर के हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। सर टीचरों की ओर से तो हमें कोई इतना वो नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो हमें अपना 100% दिया, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वो हम उनको नहीं इन्वॉल्व कर सकते इसमें, क्योंकि बहुत सारी जगह इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, तो जिससे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो नहीं सिलेबस अपना कंप्लीट कर पाए। जैसे कि हमारे कॉलेजेस ने हमारे से ट्यूशन फीस के अलावा और भी जो मेस के चार्जेस, हॉस्टल की फीस वगैरह है, वो सब कुछ लिया है, तो हम चाहते कि ये अननेसेसरी वसूली ना हो। सर बेसिकली हमारी यही डिमांड है कि हमें प्रमोट किया जाए।